दोस्तों, ये कहानी है रूबी नाम की एक लड़की पर जो मैगजीन नाम की एक कंपनी में काम करती है। और तो और, रूबी इस कंपनी में पिछले 3 सालों से काम कर रही है। अब इसी बीच रूबी को एक लेटर आता है जिसमें ये लिखा होता है कि आज रात उसने रूबी के लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। फिर रूबी फौरन ही उसके बताए हुए रेस्टोरेंट में आ जाती है और यहाँ पर वो रूबी को बताता है कि मैंने इस एनिवर्सरी पर तुम्हारे लिए और मेरे लिए एक आइलैंड पर डिनर बुक किया है। इस बात से रूबी काफी खुश होती है क्योंकि कई सालों से वो बाहर कहीं घूमने नहीं गई थी। इसके बाद हम रूबी और उसके बॉयफ्रेंड को देखते हैं जो एक प्लेन के पास खड़े होते हैं। रूबी उनसे पूछती है कि क्या हमें ये आइलैंड तक पहुंचा देगा, तो वहाँ मौजूद पायलट बोलता है कि ये तुम्हें चांद तक भी पहुंचा सकता है अगर तुम कहो तो। इसके बाद हम उन सब को देखते हैं जो प्लेन में बैठकर उड़ जाते हैं और पहुंच जाते हैं उस आइलैंड पर जो दिखने में बहुत खूबसूरत होता है। और तो और, वहां पर और भी ज्यादा लोग मौजूद होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रूबी के पास उसकी बॉस का कॉल आता है जो रूबी को कहती है कि तुम्हें वापस आना होगा क्योंकि एक काम आया है। तो रूबी अपनी बॉस को कहती है कि मुझे इस आइलैंड पर आए हुए सिर्फ 2 दिन हुए हैं, मैं अपने एंजॉयमेंट को छोड़कर नहीं आ सकती। रूबी की बॉस रूबी को पैसे देने की लालच देती है जिससे रूबी मान जाती है और वो जाकर फिलिप को ये सब बात बताती है। फिलिप ये मानता तो नहीं है, पर जब रूबी उसको पैसे की लालच देती है तो वो भी मान जाता है। दोस्तों, एक कहावत है ना कि दुनिया में जुबान तो बहुत है पर हर जुबान में पैसा बोलता है। इसके बाद हम रूबी के बॉयफ्रेंड को देखते हैं जो रूबी से बहुत नाराज होता है क्योंकि रूबी उसको छोड़कर दूसरे आइलैंड में जा रही है। अब हम फिलिप और रूबी को प्लेन में देखते हैं जहां इनके तरफ बहुत सी मुश्किलें आती हैं जिसे फिलिप संभाल लेता है। वहां पर रूबी अपनी कुछ मैगजीन फिलिप को दिखाती है जिसे देखकर फिलिप इम्प्रेस होता है और काफी तारीफ करता है। इसी बीच वहां पर बारिश आना शुरू हो जाती है जो इनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाली थी। तभी हम ये देखते हैं कि एक जोर की बिजली इनके प्लेन से टकराती है जिससे इनकी सारी कनेक्टिविटी टूट जाती है और अब इन्हें सोच समझकर चलना होगा। यहाँ पर रूबी को घबराहट होना शुरू हो जाती है जिससे वो कुछ मेडिसिन लेती है, पर तभी मेडिसिन लेने के बाद उसको और भी ज्यादा घबराहट होना शुरू हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि फिलिप को अपने सामने एक आइसलैंड दिखाई देता है जिसके अंदर वो अपने प्लेन को लैंड करवाता है। फिलिप यहाँ पर ये सोचता है कि शायद इसको यहाँ पर कोई मदद मिल जाएगी। इसी बीच अंधेरे के कारण फिलिप को पेड़ दिखाई नहीं देते और इनका प्लेन टकरा जाता है उन पेड़ों से। अब जब ये सुबह उठकर देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इनका प्लेन अब कोई काम का नहीं है। रूबी फिलिप से पूछती है कि क्या तुम इस प्लेन को ठीक कर सकते हो, तो फिलिप बोलता है कि नहीं। अब यहाँ पर इनके फोन में नेटवर्क भी आना बंद हो चुके होते हैं क्योंकि जहाँ पर ये फंसे होते हैं वहाँ से टावर इनसे कई मील दूर होता है। अब ये दोनों वहाँ पर एक शेल्टर बनाने की कोशिश करते हैं क्योंकि अगर ये ऐसे खुले में रहेंगे तो किसी जानवर का शिकार बन सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रूबी को वहाँ पर एक लाइफ बोट दिखती है, तो फिलिप उसको बोलता है कि तुम इस समुद्र को एक लाइफ बोट से नहीं पार कर सकते, पर रूबी मानने को बिल्कुल राजी नहीं होती। इसके बाद हमें पता चलता है कि मैक्सी के पास रूबी के बॉस का कॉल आया है और वो मैक्सी को बोलती है कि रूबी अभी तक अपनी डेस्टिनेशन तक क्यों नहीं पहुंची। इस बात से उसको रूबी की फिक्र होने लगती है और वो जाती है एंजेलिना के पास। दोस्तों, एंजेलिना फिलिप की गर्लफ्रेंड होती है। दूसरी तरफ हम रूबी और फिलिप्स को देखते हैं जो बेचारे इधर से उधर भटक रहे होते हैं। फिर तभी उनको थोड़ी दूर पर एक पानी का झरना दिखाई देता है जिसे देखकर रूबी उसके अंदर चली जाती है, पर तभी वहाँ पर रूबी को एक सांप दिखाई देता है जिसे देखने के बाद वो बहुत जोर से चिल्लाती है, पर फिलिप आकर उसको साइड कर देता है। यहाँ पर ये दोनों बहुत सारा पानी भरने का फैसला करते हैं, पर दोस्तों कोई इंसान पानी से कब तक पेट भर सकता है। इसके बाद फिलिप दिमाग लगाकर बहुत सारे पत्तों को काट कर अपने आप को ढककर एक झाड़ी बना लेता है ताकि वो किसी पक्षी या जानवर को पकड़ सके। बाद में ये करते भी ऐसे ही हैं। ये एक मोर को पकड़ लेते हैं और रात को उसी को बनाकर खाते हैं और रात भर कई सारी बातें करते हैं। दूसरी तरफ मैक्सी और एंजेलिना को रेस्क्यू प्लेन मिल गया था जिससे वो फिलिप और रूबी को ढूंढने की मदद करेंगे।
वहीं रूबी को सुबह सुबह एक प्लेन दिखाई देता है जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है और जाकर फिलिप को उठाती है। वो बहुत गहरी नींद में होता है जिससे वो नहीं उठता। फिर रूबी अकेली ही फ्लेयर जलाने का फैसला करती है, पर यहाँ पर रूबी से एक गलती हो जाती है जिस वजह से वो फ्लेयर पेड़ पर जाकर लगता है जिससे वहाँ पर आग लग जाती है। इसी तरह से इन्होंने अपना एक मौका गवा दिया है। अब ना जाने कब जाकर इनको दूसरा मौका मिलेगा। ये देखकर फिलिप रूबी पर बहुत चिल्लाता है और कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और इसी बीच इन दोनों में काफी बहसबाजी होना शुरू हो जाती है जो इस वक्त इनको काफी दिक्कतें दे सकती है। इसके बाद ये फैसला करते हैं कि दोनों ऊंची जगह पर जाकर मदद मांगेंगे। फिर ये दोनों चट्टानों पर चढ़ना शुरू कर देते हैं, पर रास्ते के बीच में एक खाई आ जाती है जिसके अंदर रूबी गिर जाती है और वहाँ पर फिलिप इसको बचा लेता है। अब फाइनली ये चलते चलते पहाड़ की चोटी तक पहुँच जाते हैं और यहाँ से इनको पूरा का पूरा आइलैंड दिख रहा होता है। यहाँ पर एक दूरबीन की मदद से फिलिप को एक शिप दिखाई देती है जिस तक इनको कैसे भी करके पहुँचना होगा। फिर ये दोनों अपनी लाइव बोट लेकर निकल जाते हैं उस शिप की ओर। अब जब ये उस शिप के पास पहुंच जाते हैं तो ये देखते हैं कि ये शिप तो पायरेट्स की होती है जो इनको देख लेते हैं और वो पायरेट्स भी अपने बंदों को इनके पीछे भेज देते हैं। दरअसल दोस्तों उन लुटेरों के पास दूसरी तरह की बोट होती है जो बहुत तेज चलती है। वो जल्द से जल्द फ्लिप और रूबी तक पहुँच जाते हैं। वो लुटेरे उन पर नॉन स्टॉप बंदूक चलाना शुरू कर देते हैं जिससे उनकी लाइव बोट के चिथड़े उड़ जाते हैं। आखिरकार वो लुटेरे उनको पकड़ लेते हैं और यहाँ पर रूबी इनसे झूठ बोलती है और कहती है कि हमारे पास बहुत सारा गोल्ड है, अगर तुम हमें छोड़ दोगे तो वो सारा का सारा गोल्ड तुम्हारा हो जाएगा। इसके बाद रूबी उन सबको अपने पीछे आने को कहती है। इसके बाद रूबी चलते चलते उनको चकमा देकर एक ऊंची चट्टान से नीचे छलांग मार देती है। दोस्तों यहाँ पर रूबी और फ्लिप्स को ऐसा लगता है कि जैसे वो बच गए हैं, पर ये अभी सिर्फ पायरेट से बचे हैं, आगे तो इनको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अब यहाँ पर इनको चलते चलते शाम हो जाती है, पर तभी इनकी नजर एक वर्ल्ड वॉर टाइम के टूटे प्लेन पर पड़ती है जो शायद इनके कुछ काम आ जाए। इसके बाद ये आग जलाते हैं और यहाँ पर रूबी फ्लिप को कहती है कि तुमने मेरी बहुत मदद की, तुम फिक्र मत करना, मैं तुम्हारे ऊपर कोई क्रैश का इंजाम नहीं लगाऊंगी। इतना कहकर ये दोनों सो जाते हैं और जब सुबह रूबी की आंख खुलती है तो वो देखती है कि फिलिप ने उस प्लेन के आधे से ज्यादा हिस्से को नीचे गिरा दिया होता है। हमें पता चलता है कि इन दोनों में काफी ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और तो और ये दोनों एक दूसरों के इमोशंस को भी समझने लगे हैं। और फ्लिप उस वर्ल्ड वॉर के टूटे हुए प्लेन को अपने क्रैश हुए प्लेन तक ले जा रहा होता है। दरअसल दोस्तों फ्लिप का मानना था कि वो इस प्लेन को ठीक कर सकता है। अब पहले तो ये कुछ लकड़ियों को इकट्ठा करते हैं और उस प्लेन के टूटे हुए हिस्से पर बांध देते हैं और इस प्लेन को पूरी लगन से रिपेयर करने लगते हैं। इसके बाद जब ये उस प्लेन को टेक ऑफ करते हैं तो वो पायरेट्स एक बार फिर से आ जाते हैं और वो लोग इन पर लगातार हमला करने लगते हैं जिस वजह से फिलिप भी घायल हो जाता है। रूबी फिलिप को फिर से जंगल में भागने को कहती है, पर फिलिप यहाँ पर उस प्लेन को टेक ऑफ कर लेता है, पर अभी भी वो लगातार इनके प्लेन पर गोलियां चलाते जा रहे होते हैं। अब वो पायरेट्स एक तोफ को उनके प्लेन तक फेंकने की कोशिश करते हैं, पर वो तोफ तो इन्हीं की शिप पर आ गिरती है जिस वजह से वो शिप पूरी तरह से तबाह हो जाती है। दूसरी तरफ फ्लिप रूबी को बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ रूल्स बताता हूँ जिससे तुम प्लेन चलाना, पर दोस्तों कोई इंसान इतनी जल्दी प्लेन चलाना कैसे सीख सकता है। इसके बाद हम आइलैंड पर कुछ लोगों को देखते हैं जिनको लगता है कि शायद रूबी और फिलिप की मृत्यु हो चुकी है और वो सब इसी का अफसोस मनाते हैं। पर तभी हम सब ये देख पाते हैं कि ऊपर आसमान में फ्लिप का प्लेन आ रहा होता है जिसे रूबी चला रही होती है और रूबी उस प्लेन की लैंडिंग बहुत बकवास तरीके से करती है। इसके बाद हम फिलिप को हॉस्पिटल में देखते हैं जिसे देखने रूबी आती है और उसका हाल चाल पूछती है, कई सारी बातें भी करती है और यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम रूबी और मैक्सिको एयरपोर्ट पर देखते हैं जो अपनी फ्लाइट का वेट कर रहे होते हैं। यहाँ पर अभी भी रूबी के दिमाग में फिलिप के ख्याल आ रहे होते हैं और इसी के लिए वो मैक्सिको भी शादी के लिए मना कर देती है। दूसरी तरफ फिलिप भी भागते हुए रनवे की तरफ आता है, पर वो फ्लाइट निकल चुकी होती है। रूबी इस प्लेन में नहीं होती बल्कि इसके पीछे खड़ी होती है। यहाँ पर रूबी भी फ्लिप को देख लेती है और भागकर फिलिप को गले से लगा लेती है।
और अपने प्यार का इजहार करती है, जिसे फिलिप एक्सेप्ट कर लेता है। दोस्तों, इस कहानी से आपको एक बात पता चली होगी कि अगर आप किसी को जानना चाहते हैं, किसी को परखना चाहते हैं, तो उसके साथ आप सफर पर निकल जाइए। वापस आते समय आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों, इस कहानी का अंत हो जाता है। इस मूवी में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।